दोस्तों, शुरू में आपको थिन क्लाइंट की बेसिक डिटेल बताऊंगा, थिन क्लाइंट क्या होता है, और उसके बाद बताऊंगा आपको मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए थिन क्लाइंट अगर आपको यूज़ करना है तो आपके मेन पीसी का। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं RPM टेक टिप्स। और दोस्तों, आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी थिन क्लाइंट के ऊपर, मैंने सारी वीडियोस बना रखी है ऑलरेडी, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं थिन क्लाइंट को, क्या होता है थिन क्लाइंट डिटेल में बता रखा है, यू सीरीज़ पी सीरीज़ के बारे में डिटेल में बता रखा है, तो यहाँ पे कार्ड आ रहा होगा, वो सारे वीडियोस आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने पहली बार विजिट किया है चैनल को थिन क्लाइंट के बारे में, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो। ये वीडियो मैं बेसिक बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं उन मेरे वीडियोज़ पर जो ऑलरेडी बना चुका हूँ वहाँ पर, कि थिन क्लाइंट जो है, हम एक थिन क्लाइंट जो होता है डिवाइस होता है उससे कितने सारे जो है कंप्यूटर जो है बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैं उसी के बारे में बात करूँगा आपसे और बताऊँगा कि ये भी क्वेश्चन है एक के क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, मिनिमम क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है 5 थिन क्लाइंट को या 10 थिन क्लाइंट को चलाने के लिए एक सर्वर कंप्यूटर का, यानी कि मेन कंप्यूटर का। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊँगा क्या क्या होता है ये सब के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक डिटेल जो है थिन क्लाइंट की। थिन क्लाइंट से क्या होता है, जैसे कि मान लो आपको, आपके पास एक कंप्यूटर है और आपको दो और कंप्यूटर आपको कनेक्ट करना है, यानी कि आपको एक साइबर कैफे ओपन करना है, या फिर आपके घर में ही आपको एक कंप्यूटर और चाहिए बट आप इतना खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो आप थिन क्लाइंट का यूज़ कर सकते हैं। थिन क्लाइंट एकदम बेसिक खर्च में आपको जो है आ जाता है, यानी कि आपको सिर्फ LED लेने की ज़रूरत है, माउस कीबोर्ड लेने की ज़रूरत है, एक थिन क्लाइंट डिवाइस लेने की ज़रूरत है। थिन क्लाइंट डिवाइस आसानी से आपको मिल जाएगा 3-3.5 हज़ार रुपये का, मैक्सिमम मान के चले तो 6 हज़ार में आपको एक थिन क्लाइंट डिवाइस मिल जाएगा, 3 हज़ार रुपये की आपको LED कहीं पे भी मिल जाएगी, और बेसिक सामान जो है आपको 10 हज़ार रुपये में एक कंप्यूटर जो है अच्छा खासा चल सकता है आपके लिए। अगर यहीं हम दूसरी तरफ जो है नॉर्मल अगर डेस्कटॉप बिल्ड करें पूरा, तो 10 हज़ार का तो सिर्फ CPU ही बनेगा, यानी कि जो LED माउस वगैरह का खर्चा है वो अलग, तो 15 हज़ार यहाँ पे कोस जाती है, तो 5 हज़ार वहाँ पे हम बचा सकते हैं, और साथ में आपकी जो बिजली की बचत होगी वो तो अलग ही है, क्योंकि थिन क्लाइंट जो डिवाइस होता है वो सिर्फ 5 वोल्ट लेता है, 5-10 वोल्ट लेता है, और वहीं हम दूसरी तरफ बात करें तो अगर पूरा PC आप क्रिएट करेंगे तो वो मिनिमम 350 वोल्ट से लेके कितना भी ले सकता है, वो SMPS के ऊपर आपने कितना SMPS उसमें लगाया है। तो ये एक बेसिक डिटेल होगी थिन क्लाइंट के बारे में। अगर आपको थिन क्लाइंट कहीं आप घर पे भी, आपके खुद के भी, अगर मान लो आपको फर्स्ट फ्लोर पे आपको एक कंप्यूटर और चाहिए, आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं वहाँ पे आपका डेस्कटॉप है, और एक फर्स्ट फ्लोर पे एक और चाहिए आपको, और आप एक और खर्चा नहीं करना चाहते हैं डेस्कटॉप का, तो आप थिन क्लाइंट का यूज़ कर सकते हैं। और कैसे करते हैं कॉन्फ़िगर वगैरह वो सब कुछ मैं दूसरे वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए थिन क्लाइंट को चलाने के लिए, यानी कि मिनिमम आपको थिन क्लाइंट चलाना है 5 थिन क्लाइंट आपको चलाना है, और आपको मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन जानना है कि क्या होता है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं मुझे कमेंट में, तो यहाँ पे आपको मिनिमम ड्यूल कोर होना चाहिए आपके सिस्टम में, और मिनिमम 4 GB रैम होना चाहिए अगर 5 चलाना है तो। अगर 10 चलाना है तो फिर आप 4 GB से 6 GB या 8 GB कर सकते हैं रैम को, और प्रोसेसर अगर सेम रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेन जो आती है बात, वो आती है रैम पे, जितनी ज़्यादा रैम बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा आप यूज़र भी बढ़ा सकते हैं, और मेन यहाँ पे आपको लगेगा वो लगेगा क्या कि स्विच लगेगा, तो ये यहाँ पे आपको खर्चा करना पड़ेगा स्विच में। अब स्विच में पोर्ट कितने होने चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप कितने थिन क्लाइंट कनेक्ट करना चाहते हैं। तो एक आपको जो सर्वर PC जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतनी ज़्यादा अच्छी स्पीड आपको आपके थिन क्लाइंट में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर आप i3 ले लेंगे और 8 GB रैम ले लेंगे आपके कंप्यूटर के लिए, और मान लो आपने हार्ड ड्राइव ले ली, एक 128 GB की आप जो है SSD ले लीजिए और 500 GB की हार्ड ड्राइव ले लीजिए, तो यहाँ पे आपको जो थिन क्लाइंट में स्पीड मिलेगी वो काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को आपको मिलेगी। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैं बता रहा हूँ, इस सेम कॉन्फ़िगरेशन का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं आसानी से, और उस जो है जो कॉन्फ़िगरेशन का PC है वो आप बिल्ड कर सकते हैं खुद, या फिर उसको भी बाय कर सकते हैं अगर आप थिन क्लाइंट बाय कर रहे हैं, थिन क्लाइंट लेना चाहते हैं तो उसको भी आप बाय कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन होता है कि क्या हम गेम कर सकते हैं क्या थिन क्लाइंट में, गेमिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ उसके लिए आपको मेरे जो वीडियोज़ हैं यू सीरीज़ और एल सीरीज़ वो देखने पड़ेंगे, वहाँ पर मैं बताया है कि कौन सी सीरीज़ में आप गेम कर सकते हैं, कौन सी सीरीज़ में गेम नहीं कर सकते। थिन क्लाइंट बेसिकली वहाँ पे यूज़ में आता है जैसे नॉर्मल ब्राउजिंग करनी है आपको, वीडियोस वगैरह ब्राउज करना है, क्रोम में जो भी कुछ करना है वो आप कर सकते हैं, सिवाय गेम के। गेम आप नहीं प्ले कर सकते, गेम प्ले करेंगे तो बहुत लेग करेगा और स्लो प्ले होगा। और जो नॉर्मल बेसिक टास्क होते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट आता है ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो रन कर सकते हैं, बेसिक जो है C++ वगैरह ये सब आप रन कर सकते हैं, तो ये सब आप जो छोटे मोटे टास्क होते हैं वो आप कर सकते हैं।
सकते हैं जो कि सिंगल कोर पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उनको ज़्यादा कोर की ज़रूरत नहीं होती है, मल्टी कोर की ज़रूरत नहीं होती, जो कि सिंगल कोर पे वर्क कर जाते हैं। वो सारे सॉफ्टवेयर, वो सारे प्रोग्राम आप थिन क्लाइंट में रन कर सकते हैं ईजिली। तो बस यही सारे क्वेश्चन आते हैं और यही एक बेसिक वीडियो था। अगर आपको डिटेल में वीडियो जानना है, डिटेल में जानना है कि थिन क्लाइंट क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन देखना है, थिन क्लाइंट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, सब कुछ ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे कार्ड्स में आ रहा हुआ देख सकते हैं आप। और थिन क्लाइंट का जो मेन जो सीपीयू होता है वो आपको अगर बाय करना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप उस पीसी को बाय कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से आप बाय करेंगे उस लिंक के थ्रू तो थोड़ी बहुत हेल्प मुझे हो जाएगी। अगर आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा कम रेट में ऑफलाइन भी मिल रहा है तो वहाँ से जाके आप ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं वहीं से लेना, बट अगर आप लेंगे तो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका इस वीडियो के लिए कोई भी सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर से रिप्लाई करूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, रोजाना मैं आपके लिए टेक वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जानना जरूरी होती है वो भी मैं आपको देता रहता हूँ इसी चैनल पर। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पर लिंक करके उसके जरिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट के वीडियोज़ के लिंक यहाँ पर आ रही है, इंस्टाग्राम लास्ट के वीडियो देख सकते हैं। अगले वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।